फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की, तो जैसा कि हमने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि डायरेक्टर इटली कुमार की अगली फिल्म सलमान खान के साथ होने वाली है, जो कि एक डबल हीरो फिल्म होगी जिसमें हमें सलमान खान के साथ सुपरस्टार रजनीकांत देखने को मिलेंगे। पर अब कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ हमें सुपरस्टार रजनीकांत नहीं बल्कि कमल हसन इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जी हां, पिंक विला ने रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया है कि डायरेक्टर इटली कुमार ने अपनी इस फिल्म की कहानी सलमान खान के साथ कमल हसन को नरेट की है, और अगर कमल हसन इस फिल्म को करने के लिए तैयार होते हैं तो आने वाले समय में हमें सलमान खान के साथ कमल हसन इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, डायरेक्टर इटली कुमार की ये फिल्म एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे एक बड़े बजट में बनाया जाएगा, और वहीं इस फिल्म को साउथ की जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करने वाली है। अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर कहा जा रहा है कि जैसे इस फिल्म की कास्टिंग कंफर्म होती है तो आने वाले समय में हमें इटली कुमार की इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सलमान खान और कमल हसन के इस कॉम्बिनेशन के बारे में? अजय देवगन की आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सन ऑफ सरदार 2 में हमें अजय देवगन के अपोजिट मृणाल ठाकुर लीड रोल में देखने को मिलेंगे, और वहीं संजय दत्त इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, सन ऑफ सरदार 2 की कहानी पूरी तरह से एक नई कहानी होने वाली है जिसका कनेक्शन हमें इसके पिछले पार्ट से देखने को नहीं मिलेगा, और वहीं इस फिल्म को पंजाबी डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग मेकर जुलाई एंड से स्कॉटलैंड में स्टार्ट करेंगे। और अजय देवगन की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि सन ऑफ सरदार के बाद अजय देवगन की ये सिक्वल फिल्म कैसी होती है। सूर्या की आने वाली पैन इंडिया फिल्म कंगुआ से मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म कंगुआ को आने में अभी 100 दिन बाकी है, और इसी के साथ मेकर्स ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि सूर्या की ये पैन इंडिया फिल्म हमें 10 अक्टूबर 2024 को देखने को मिलेगी। आपको बता दें, सूर्या की ये फिल्म एक पीरियड एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शिवा ने डायरेक्ट किया है, और वहीं इस फिल्म में हमें सूर्या के साथ दिशा पटानी और बॉबी देओल लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और सूर्या की ये फिल्म हमें 10 अक्टूबर 2024 को तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। क्या बात है। तो सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी वर्सेस बॉलीवुड काफी ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है द फेक लाइफ ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पपराजी कल्चर, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की ग्लैमरस से भरी दुनिया को नकली बताया है, और ये भी बताया कि कैसे कुछ बॉलीवुड एक्टर पपराजी को पैसे देकर अपने आप को शूट करवाते हैं और पपराजी भी उनको फेमस कर देता है जिनको आम जनता जानती तक नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया सच में पूरी तरह से नकली है या नहीं? निखिल सिद्धार्थ की आने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म द इंडिया हाउस के मेकर्स ने पोस्टर डालते हुए बताया है कि निखिल सिद्धार्थ की ये फिल्म लॉन्च हो चुकी है, और मेकर्स इस फिल्म की रेगुलर शूटिंग 3 जुलाई 2024 से स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें, निखिल सिद्धार्थ की इस फिल्म को डायरेक्टर राम वामसी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें निखिल सिद्धार्थ के साथ साई मांजरेकर और अनुपम खेर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और निखिल सिद्धार्थ की ये फिल्म हमें 2025 में तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कल्कि 2898 एडी ने अपने रिलीज के पांचवे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु वर्जन से 14 करोड़ 50 लाख रुपए, हिंदी वर्जन से 16 करोड़ 50 लाख रुपए, तमिल वर्जन से 1 करोड़ 50 लाख रुपए, मलयालम वर्जन से 1 करोड़ 30 लाख रुपए और कन्नड़ा वर्जन से 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ कल्कि 2898 एडी ने पांच दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 343 करोड़ 15 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 409 करोड़ 50 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं कल्कि 2898 एडी ने पांच दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ कल्कि 2898 एडी ने पांच दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 570 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि कल्कि 2898 एडी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।